सब्सक्राइब कीजिए पीवी न्यूज चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाए। नमस्कार दोस्तों, मैं परेश, पीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में मोबाइल की एक टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ही फायदेशीर साबित होगी और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अभी ये ट्रिक्स क्या है तो मैं वो सबसे पहले आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आपके फ़ोन में अलग अलग टाइप के बहुत सारे एप्लीकेशन होते होंगे और वो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, आपके फ़ोन का स्टोरेज हो जाता है फुल। अभी आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की होगी कि ये जो सब कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हो वो फ़ोन मेमोरी में इंस्टॉल ना हो, ये जो एप्लीकेशन है वो एसडी कार्ड में इंस्टॉल हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब कुछ एप्लीकेशन हमारे जो फ़ोन की मेमोरी होती है वहाँ पे ही इंस्टॉल होते हैं और वो मेमोरी फटाफट फुल हो जाती है। अभी देखिएगा, मेरे फ़ोन में इतने कम एप्लीकेशन है, कुछ डाटा भी नहीं है, तो यहाँ पे 16 GB की मेरी मेमोरी है, लेकिन 7 GB यहाँ पे इसने यूज़ में ले लिए। तो इस तरह का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि भाई इस पर कोई वीडियो बना के हमें सॉल्यूशन दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक एसडी कार्ड और इंटरनल स्टोरेज है। अभी मेरे फोन में जितने भी एप्लीकेशन है सभी एप्लीकेशन मेरे फोन मेमोरी में इंस्टॉल हुई है, लेकिन मुझे ये फोन मेमोरी में इंस्टॉल नहीं चाहिए, मुझे ये एसडी कार्ड में चाहिएगा। तो मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, इसमें से आपको जो अच्छा लगे और आपके फोन के लिए जो ठीक रहेगा वो आप करिएगा, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेटिंग में आपको सबसे पहले आना है। सेटिंग में आने के बाद आपके फोन के एप्लीकेशन में आपको आना है। एप्लीकेशन में आने के बाद आपके जितने भी एप्लीकेशन होंगे सब कुछ एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपको कौन से एप्लीकेशन को यहाँ पे स्टोरेज में रखना है, फ़ोन स्टोरेज में रखना है, उसके बाद नहीं तो आपको एसडी कार्ड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको जो जो एप्लीकेशन रखना होगा उसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिंपली एक सेटिंग में बताऊंगा, वो सेटिंग करने के बाद ये सब कुछ आपका काम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन ले लेना है। यहाँ पे ओपन कैमरा आप एप्लीकेशन देख सकते हो, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ मैं, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन आपको दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप देखिएगा ऊपर यहाँ पे ओपन कैमरा नाम आ रहा है एप्लीकेशन का, नीचे स्टोरेज यूज बाय डिवाइस मेमोरी यहाँ पे लिखा जा रहा है, यहाँ पे चेंज पे आप क्लिक कीजिए। चेंज पे क्लिक करने के बाद आपको एसडी कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। एसडी कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मूव पे क्लिक कर लेना है। मूव करने के बाद ये डायरेक्टली आपका ये जो एप्लीकेशन के लिए जितना भी स्टोरेज लगता है सब कुछ स्टोरेज अभी ये आपके एसडी कार्ड में यूज होगा। एसडी कार्ड में सब कुछ डेटा ये यूज होगा, आपकी फ़ोन मेमोरी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका फ़ोन अच्छे से चलेगा। ये होगा फर्स्ट तरीका। अभी मैं सेकंड तरीका आपको बताता हूँ, उसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा आपकी फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टोरेज ढूंढ लेना है, स्टोरेज में आपको यहाँ पे जाना है। तो फोन की स्टोरेज में हम यहां पे आ जाते हैं। यहां पे आने के बाद यहां पे आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद स्टोरेज सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। स्टोरेज सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अभी जो भी सब कुछ मेमोरी यूज़ हो रही है फ़ोन की वो हो रही है डिवाइस मेमोरी, यहाँ पे डिवाइस की जो मेमोरी है वो यूज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपको एसडी कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। एसडी कार्ड आप जैसे ही सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद ये सब कुछ जो भी आप मोबाइल में कुछ भी करते हो, तो सपोज आपने कोई MP3 डाउनलोड किया, कोई वीडियो डाउनलोड किया, तो वो डिवाइस में स्टोर नहीं होगा, वो डायरेक्टली एसडी कार्ड में स्टोर होगा। मतलब आपकी फ़ोन की मेमोरी नॉर्मल रहेगी, वो ज़्यादा भरेगी नहीं। ये हो गया सेकंड तरीका। अभी मैं आपको तीसरा और लास्ट तरीका बताता हूँ। ये सब कुछ भी आपके फोन में नहीं हो रहा है तो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली वहां पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। फाइल टू एसडी कार्ड इस एप्लीकेशन का नाम है। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसको 5 मिलियन लोगों ने इंस्टॉल किया है, 4.6 की इसको रेटिंग दी गई है। ये इंस्टॉल करने के बाद इसके थ्रू आपका फोन का जितना भी डेटा है वो सब कुछ आप मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए दोस्तों। इसमें से जो आपके फ़ोन में वर्क कर रहा होगा वो तरीका आप फॉलो कीजिए और आपकी फ़ोन की मेमोरी भरने से बचाइए। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आपकी फ़ोन की मेमोरी में ज़्यादा डाटा मत रखिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी फ़ोन की मेमोरी में रखोगे उतना आपका फ़ोन स्लो चलेगा। इसलिए जितना हो सके उतना आप एसडी कार्ड में डाटा रखिएगा, उससे आपका फ़ोन अच्छा चलेगा और मस्त चलेगा, ज़्यादा हैंग नहीं होगा, ज़्यादा हीट नहीं होगा। तो ये तीनों तरीके आप फॉलो कर सकते हो और आप मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा और कौन सा तरीका आपको सबसे यूजफुल रहेगा। तो जरूर मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।